हाय गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ एंड वेलकम टू ऑल बोर्ड आई होप आई ऑर्डबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली आवाज आ रही है मेरी सबको आ रही है साउंड क्लियर है चलिए कैसे क्या, क्या हाल चाल है आप लोगों के कौन कौन आ गया वेरी गुड मॉर्निंग साई मास्टर ऑफ गेमिंग सुरेश मौली नीतीश दिनेश नीर हितेश विष्णु नवीन वेरी गुड मॉर्निंग भूपेंद्र गुड मॉर्निंग मिस्टर वाइट जय सूर्या स्नेहा सृष्टि स्तुति रेसरहल श्रीरी अमर दीपेंद्र प्रार्थना संदीप योगेश गार्गी वेरी गुड मॉर्निंग सिरिषा गुड मॉर्निंग रोहित भारती वेरी गुड मॉर्निंग गैस चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को डिस्कशन रहेगा हमारा 26th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स पर एंड 25th ऑफ करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू रिवाइज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज एज वी डू डेली राइट स्टार्ट करते हैं सेशन को सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस विराट कोहली का थॉट है दैट यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव योर सेल्फ दैट यू आर एबल टू अचीव एनीथिंग और यू कैन डू एनीथिंग सेल्फ बिलीव सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली विच वी हैव टू बिल्ड सेकेंड ट्राई ट्राई ऑर बेस्ट ट्राई ऑर बेस्ट Try to be best at any place wherever you are. If you get allocated a branch after uh, after uh, clearing these examinations, don't think like your journey is over. Now I got settled. Your journey is just started after becoming bank P or bank clerk. Now this is a market where you have to grow. So try to be best at whatever the place or at whatever the place you are, guys. Take Chaliah. प्लीज डाउनलोड द ऑलिबोर्ड एप्लीकेशन सब्सक्राइब द सब्सक्राइबोर्ड यूब चैनल इफ यू आर द सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम द सेम सेशन इज न्यूज एनालिसिस द डेली करंट अफेयर शो ऑफ ऑलिब टेकन बाय आदित्य सर होमवर्क के क्वेश्चन क्या थे हमारे पास हु इज द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया क्वेश्चन नंबर वन था सो वी नो दिस थिंग म्यूचुअल फंड इन इंडिया रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन सीबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया Organization was founded in the year 1988, became the autonomous body in the year 1992 and Madhvi <coughs> Puri Buchmam is the chairperson of SEBI at present. Second half you pass, the term crossing is associated with which of the following instrument? Correct answer is check. So, basically we have three types of crossing. One is called simple crossing. सिंपल क्रॉसिंग तो सिंपल क्रॉसिंग में आपके पास जो चेक होता है देर आर टू लाइन इन द चेक दिस इज कॉल्ड सिंपल क्रॉसिंग सेकेंड होती है आपके पास रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग सो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में आपके पास चेक होगा टू लाइंस इन द चेक डोंट रन बिहाइंड माई ड्रॉइंग ड्रॉइंग पर ध्यान मत देना कॉन्सेप्ट फीलिंग समझना सो अकाउंट पे यहां पर लिखा होता है और नॉट नी दिस इज दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग थर्ड इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग इन द केस ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग सेम चेक यू विल हैव एंड टू लाइंस इन द चेक इन बिटवीन द लाइंस यू विल फाइंड द नेम ऑफ एनी बैंक बी हो सकता है एस एच डी एफ सी बट द नेम ऑफ बैंक विल बी रिटर्न सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स ये होती है आपकी मेनली तीन तरीके की क्रॉसिंग ठीक है आगे आ जाए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज ओन्ड बाय ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सो आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ओनर ऑफ इट सो ये आपके पास आंसर्स आ गए गुंजन वर्मा मैम के आंसर्स थे होमवर्क के म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया रेगुलेटेड बाय सेबी चेक क्रॉसिंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द बैंकर टू पे द अमाउंट ऑफ चेक ओनली टू द बैंकर थ्रू अ बैंकर ओनली नॉट डायरेक्टली प्रेजेंटेड एट द काउंटर मीन काउंटर पर पेमेंट नहीं होता है नो कैश पेमेंट दिस इज वॉट द मीनिंग ऑफ इट नो कैश पेमेंट इन केस ऑफ क्रॉसिंग नाबार्ड इज होली ऑन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट्स ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रियंका मैम के आंसर थे जय हिंद मैम सेबी चेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परफेक्ट है अपूर्व जय हिंद अपूर्व से चेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आंसर्स आ गए इसके बाद मोहित भाई के आंसर्स थे जय हिंद मोहित मिहिर जय हिंदु जय हिंद मेरे भाई साई सिबा जय हिंद हरिका मैम आंसर्स थे चेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर वाइट जय हिंद मेरे भाई मधुमित मधुमिता प्रकाश जय हिंद परफेक्ट आंसर सुमन सर थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन विपक्षिता मलिक जी मधुरीमा बासु मैम खीतु हिंद स्नेहा सृष्टि हिंद शिवानी हिंद स्मिता निर्मल हिंद प्रज्ञा थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन एंड सुमंत थैंक्स फॉर आंसरिंग सो गई ये हमारे पास आंसर्स थे हमारे थे जो जो रेगुलरली आंसर्स करते हैं होमवर्क के लेट सी क्वेश्चन फॉर टुमारो द टाइप ऑफ चेक इश्यूज बाय अ होल्डर टू द पे फॉर कमिंग विथड्रॉ डेट फॉर अपकमिंग विदड्रॉ डेट चेक जिसमें डेट विद्रॉ डेट है वो अपकमिंग हो सो विस टाइप ऑफ चेक इट इज नेक्स्ट है ओनली डिजिटल प्रेजेंस नो फिजिकल ब्रांचेस अ बैंक विदाउट एनी फिजिकल ब्रांचेस इज नोन एज वॉट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल मेड अपल ऑफ फंड कलेक्टेड फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स बॉन्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर एसेट्रा विस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इट इज क्वेश्चन हो गए पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर दर जी एस दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप वेर यू विल एबल टू फाइंड द पीडीएफ ऑफ ऑल ऑफ दी सेशन हमारे ऑफर चल रहे थे टिल यस्टरडे यू गेट कैन चेक इट समाइम दीज ऑफर टिल नून टाइम मतलब ग्यारह बारह बजे तक कई बार चलते रहते हैं इलेवन ओ क्लॉक ट्वेल्व ओ क्लॉक तक टेन इलेवन अप्रोक्सिमेटली यू कैन एक्सपेक्ट पॉसिबल होता है टेक टीम एक्टिव होने से पहले इफ यू वॉन्ट टू यूटिलाइज इफ यू मिस्ड ये यू कैन यूटिलाइज दस टूडे इट सेल्फ बाई यूजिंग द कोड आदित्य फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा था टिल यस्टरडे तो मे बी इट इज क्लोज मे बी इट इज वर्किंग टिल टेन ओ क्लॉक मॉर्निंग यू गैस कैन चेक इट क्विकली आफ्टर द क्लास personalized interview batch for idbi assistant manager bilingual batch and the and the code aditya will work for the maximum discount mentor your mentor will be aditya sir by using this code and you will be able to i will sure that you will be able to clear your idbi interview itna be karvakari interview se with the mock 1 mock 2 1 to 1 guidance session and you will be able to clear your interview for sure so डू नॉट वेट ज्वाइन दिस बैच फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आई बीपीएस के ऑप्शन है कोड आदित्य विल हेल्प यू टू गेट दी एन ए सब्सक्रिप्शन इन एडिशन बी एबल टू क्लियर योर करंट अफेयर्स डाउट योर करंट अफेयर क्वेरीज एट सिंगल प्लेस विद द सिंगल कोर्स दैट इज पेड टीएनएमसी के सेशन पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास यहां पर चलिए मैंने कोशिश की जल्दी में सारी चीजें यहां तक की होमवर्क तक की सारा कुछ हम कवर कर लें एक बार और स्पीड पिक करेंगे सो विल कवर द कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर वन विच विच बैंक हैज ज्वाइंड विच बैंक हैज हैजॉइंड आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क रिसेंटली बैंक होना था यहां पर विच ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ज्वाइंड ज ज्वाइंट द आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क रिसेंटली करेक्ट आंसर होगा इसका सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ठीक कर लेंगे इसको सो सेबी हैज्वाइंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको हमने डिस्कस किया था इन डिटेल राइट right? एंड व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर अ एनबीएफसी टू स्टार्ट द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस इंडिया टू करोड़ रुपए टू करोड़ का अमाउंट याद रखेंगे टू करोड़ इज द मिनिमम टेंजेबल एसेट रिक्वायर्ड फॉर एनबीएफसी टू वर्क इन द अकाउंट एग्रीगेटर नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स ऑफ क्रेडिट क्रेडिट सुसीस सो क्रेडिट सुसीस स्वीस क्रेडिट स्वीस का अभी रिसेंटली सीएफओ किसको अपॉइंट किया गया मिस्टर दीक्षित जोशी कल नाम हमने डिस्कस किया था मिस्टर दीक्षित जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन राइट इसके बाद एक लिस्ट देखें सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी देवाशीष मोहंती सर एमडी एंड सीओ ऑफ पेटीएम एमडी एंड सी ऑफ पेटीएम मिस्टर विजय शेखर शर्मा सर रिस रीअपॉइंट हुए हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट चेयरपर्सन इज मिस्टर के वी कामत रिसेंटली एमडी एंड सीईओ की पोजीशन पर राजकिरण राय सर को अपॉइंट किया गया सो मिस्टर राज किरण राय सर अपॉइंटेड एज द एमडी एमडी एंड सीईओ एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इंद्रजीत कमुत्रा सर इंद्रजीत कमुत्रा सर गाइज ये आई हैव आस्क्ड यू हु इज है चेयरपर्सन ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक आंसर बताइएगा नलिल नेगी सीएफओ भारत पे भारत पे के सीईओ नलिल नेगी सर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक मिस्टर इंद्रमीत मिस्टर इंद्रमीत गल गिल हा भाई यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक चेयरपर्सन है मिस्टर विनोद रॉय मिस्टर विनोद रॉय इज द चेयरपर्सन फॉर्मर सी ए ऑफ इंडिया वो इनका बुक आया था ना विनोद रॉय सर का नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट राइट याद है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नॉट जस्ट एन वॉचमैन तो ये सारे बुक्स किसके विनोद रॉय सर के बुक्स हैं नेक्स्ट है Mr. Canonal, Mr. Colonel Abdullah Mega has been elected as the interim Prime Minister of which of the following country? Correct answer is Mali. Mali, uh, Bama, Bamako is the capital and Frank is the currency. So, Bamako is the capital, Frank is the currency. Country name is Mali. Mr. Abdullah Mega, Sir, Colonel Abdullah Mega has been elected as the interim President. Next, hai, Vikram Dora Swami, Agalanam.

यूके के नए एंबेसिडर इंडिया एम्बेसिडर टू यूके अपॉइंट हुए नेक्स्ट है विच पोर्टल हैज बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग टूगेदर ऑल द अवार्ड ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द वन प्लेटफॉर्म दिस प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो फैसिलेट पीपल टू नॉमिनेट समन ऑन द पोजिशन ऑफ फॉर फॉर एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट अवार्ड तो सरकारी अवार्ड के लिए अब आम जनता भी किसी को नॉमिनेट कर पाएगी वॉट इज द नेम ऑफ दैट पोर्टल इस पोर्टल का नाम क्या है सर पोर्टल नेम इज राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल द पोर्टल नेम इज राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ठीक है ऑप्शन नंबर वेरी गुड सो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल इज द नेम ऑफ पोर्टल नेक्स्ट है ग्लोबल एस्क्रो बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर कैसलर हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू ऑफर डिजिटल एस्क्रो सर्विस टू द बैंक कस्टमर्स अभी हाल ही में

एंड कार्ड नाइनटी वन वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसेंटली कोलोबरेटेड विथ यस बैंक फॉर बी टू बी पेमेंट तो यहां पर येस बैंक रिलेटेड पॉइंट आपको मिल जाएंगे ठीक है बैंक एग्रीमेंट विथ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एक्सिस बैंक रिसेंटली साइंस एमओयू विथ एफ सी आई फॉर अल्टीमा सैलरी पैकेज येस बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विथ सेलर एप फॉर एडोप्शन ऑफ ओ एंडी सी

जी एम आर ग्रुप हैज लॉन्च ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट दैट इज हाईवे पोर्ट टेलीकम्युनिकेशन एयरपोर्ट एंड बस स्टैंड इफ यू हैव अ लिटिल आइडिया अबाउट जी एम आर ग्रुप जीएमआर ग्रुप इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप इन इंडिया इन टर्म ऑफ हैंडलिंग द एयरपोर्ट्स इन इंडिया तो इंडिया में जो एयरपोर्ट हैंडलिंग का काम है एयरपोर्ट्स को ओन करने का काम उनके मेंटेनेंस का काम दैट इज डन बाय जीएमआर ग्रुप फॉर मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया सो जीएमआर ग्रुप लॉन्च ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द एयरपोर्ट इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लैब टू द स्टार्टअप फॉर द डेवलपमेंट वेलिडेशन सोल्यूशन सर्विसेस रिलेटेड टू द एयरपोर्ट्स इट विल एनेबल द लीडरशिप रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ स्केलिंग विद द हेल्प इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी जीएमआर ग्रुप नाइनटीन सेवेंटी एट में बना था न्यू डेही इज द हेडक्वार्टर आगे मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वन या नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज चेयर ट्वेंटी थर्ड मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल इन भोपाल हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भोपाल में आयोजित काउंसिल इन भोपाल करेक्ट आंसर इज यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह थर्ड मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल डिस्कस सिग्निफिकेंट प्रोसेस मेड इन दिन ऑफ

महात्मा गांधी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली किस कंट्री में भी रिसेंटली किस कंट्री में भी रिसेंटली एस जयशंकर सर ने महात्मा गांधी जी का जो जो स्टैच्यू है उसको रिवील किया है तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा थोड़ा अजीब सा है प्रयागे टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन इट इज and south american it is a south american it is located in the continent south america it's a south american country and uh, uh, asuncon is the capital and gurani gurani is the currency so capital currency do read the capital currency because फॉर्म ऑफ स्टेटिक जीके और इन द कैपिटल करेंसी फॉर्म एटली गेट देश क्वेश्चन किया है विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च दिस बस तो किस केंद्रीय मंत्री ने पुणे में पहली भारत में निर्मित पूरी तरीके से भारत में निर्मित हाइड्रोजन सेल बेस बस का इनोग्रेशन किया है करेक्ट आंसर है जीतेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर जीतेंद्र सिंह इनोग्रेटेड दिस बस इन पुणे सो बस इज डेवलप्ड बाय काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सीसर सो दिस बस इज डेवलप्ड बाय सीसर काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में बना था हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है एन कला सेल्वी मैम रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ एन कला मैम जो है उनको भी रिसेंटली का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है क्या बात है प्रतीक बहुत दिनों बाद आए वो भी एक क्वेश्चन था इसलिए प्रतीक आज टीएनए में आए हैं एम आई राइट प्रतीक फिजिकल डेफिसिट क्या होता है सर फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग होता है वी आर द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हाई कंपेयर टू दियर टोटल इनकम टोटल इनकम इनकम मीन्स हियर द टोटल फंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर नॉट अ सिंगल रुपीस लोन बिना लोन के सरकार द्वारा इकट्ठा किया गया पूरा फंड गवर्नमेंट का इनकम कहलाता है दैट कैन बी द फंड केम फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो सो द टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट प्लस द फंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द डिसइनवेस्टमेंट ऑल सच अमाउंट टूगेदर एक्सपेंडिचर इज मोर देन दिसंट इज कॉल्डिट तो इसउंट को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है क्लियर हो गया प्रतीक चलो अच्छा रोज रिकॉर्डेड देख लेते हो वही नहीं मैंने यही बोला कि आज प्रतीक बहुत दिनों बाद लाइव आए मैंने ये थोड़ी बोला प्रतीक टीएनए नहीं देख रहे आई नो दैट प्रतीक इज वॉचिंग टीएनए डेली ठीक चलो आगे मूव करेंगे नेक्स्ट है

द्रौपदी मुर्मू मैम रिप्लेसिंग टू कपिल देव त्रिपाठी सर नाइनटीन एटी बैच के ऑफिसर थे कपिल देव त्रिपाठी उनको रिप्लेस किया है रिसेंटली अपॉइंटेड सेक्रेटरीज ऑफ सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर विवेक कुमार सर फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन कवत्रा सर प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर तरुण कपूर सर फाइनेंस सेक्रेटरी टी वी सोमनाथ है तरुण बजाज रिवेन्यू सेक्रेटरी है तरुण बजाज इज रिवेन्यू सेक्रेटरी अच्छा तरुण बजाज रिसेंटली गॉट One more charge also पता है आपको तरुण मजात सर को एक और charge अभी recently मिला है Who has been appointed next question कहीं move कर गया हूं मैं Who has been appointed as the director of National Institute of Immunology so correct answer is correct answer is देवशिश मुहंती सर correct answer is देवशिश मुहंती सर so देवशिश मुहंती सर recently appointed as the director of National Institute of Immunology यहां पर point देखो रिवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज सर हैज बीन गिवन एज द एडिशनल चार्ज ऑफ कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी तो तरुण बजाज सर को कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी का भी अभी चार्ज मिला है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर सो तरुण बजाज सर रिवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी एट प्रेजेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी 1981 बना था न्यू डेली इज द हेडक्वार्टर और अब आपके न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं देवाशीष मोहंती सर देवाशीष मोहंती सर देवशीष पांडा सर इनमें कंफ्यूज मत हो जाना देवाशीष पांडा सर इज द चेयरपर्सन ऑफ आई आर डी ए आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देवशीष पांडा सर वॉज द प्रीवियसली फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पहले इंडिया के फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी थे देवशीष पांडा सर राइट right? ज द करेंट फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अभी करेंट में कौन है सर फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इनका नाम बताइएगा मैं आगे मूव करता हूं आज की न्यूज देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने है हु इज द करेंट फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया संजय मल्होत्रा सर वेरी गुड करेक्ट आंसर है संजय मल्होत्रा सर बिल्कुल करेक्ट है मल्होत्रा सर है अभी करेंट में फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी इंडिया के चलिए न्यूज पर आते हैं न्यूज नंबर वन एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहां पर है मनीला मनीला फिलिपींस राइट सो रिसेंटली इंडिया साइड एग्रीमेंट विद एडीबी टू इंप्रूव द वाटर सप्लाई फॉर विच स्टेट हिमाचल प्रदेश सो फॉर द सेफ ड्रिंकिंग फॉर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर इंप्रूव द वाटर सप्लाई and sanitation in the himachal pradesh this agreement has been signed as per this as per the agreement adb will provide 96.3 million dollar 96.3 million dollar loan amount to himachal pradesh for, uh, for to provide the safe drinking water facility to improve the water supply and sanitation facility in the state himachal pradesh प्रोजेक्ट इज अलाइन विद्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ हर घर जल बाय टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है ना हर घर जल का बाय दू था ट्वेंटी फोर सो दिस दिसन अमाउंट इज अलाइन टू द सेम प्रोजेक्ट पॉइंट क्लियर है लोन अमाउंट so कितने का है रिपीट कर ले नाइनटी सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर कितने का है लोन अमाउंट नाइंटी सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर 96.3 मिलियन डॉलर राइट अच्छा किस स्टेट के लिए है हिमाचल प्रदेश के लिए है विच विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड एडीबी प्रोवाइडेड इतने में काम हो जाता है बिल्कुल हो जाता है एग्जाम में इतने में काम ठीक है चलिए आगे आ जाए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड इन द ईयर 1966। कब बना था 1966 में बना था मेट्रो मनीला फिलिपींस इज द हेडक्वार्टर मसाद सागु आसाका सर इज द प्रेसिडेंट अशोक लवासा सर इज द वीपी मिस्टर तिकोई कोनुशी इज द एडीबी डायरेक्टर फॉर इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस्टर समीर कुमार खरे हाउ मेनी में ईच एंड एवरी पॉइंट विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हियर दैट वी हैव कवर्ड फ्रॉम द एडीबी साइड अच्छा एडीबी के रिसेंटली कुछ और पॉइंट्स हो रहे हैं तो वो देख लेते हैं ADB approved 112 million dollar loan for Assam Skill University to establish the Assam Skill University ADB approved 150 million dollar loan for urban poor housing project in Tamil Nadu ADB signed partial guarantee facility agreement of 150 million with with sorry Axis Bank has signed 150 million partial guarantee with adb to su to support the supply chain project in india point number three is very very important because they can ask you the name of access bank also that which bank recently signed the partial guarantee agreement facility facility agreement of 150 million with adb so answer will be access bank then adb projected gdp rate of india to 7.2 percent for करंट फाइनेंशियल इयर प्रीवियस प्रोजेक्शन वॉ सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव से डिक्रीज करके सेवन पॉइंट टू परसेंट कर दिया है नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस एग्रीमेंट ऑफ टू मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट टू नागालैंड नागालैंड के लिए टू मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली अप्रूव किया है एडीबी इट प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड इट इट प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ फोर पॉइंट सिक्स बिलियन कितना फोर पॉइंट सिक्स बिलियन

next point next one mastercard partnered with basics to create an agri-tech platform for the farmers so mastercard us-based firm partnered with the lively promotion institution called basic social enterprises to launch agri-platform called basics Farmers market, basics farmers market to integrate the farmers into the digital economy. So farmers can sell their products, their crops online. All already we have e mandis in India, but this is what the, the products which are you can say that a little bit semi ready products which they wanted to sell in the market they can sell with the help of this type of platform, basics farmer market. Now, digital digital platform will address the fundamental challenge of small farmers related to the price discovery, market reach, payment, credit access. So, all these things will be resolved with the help of this Basics Pharma Market Program. It is developed by Basic Social Enterprises Group in collaboration with MasterCard. So, MasterCard ke collaboration. Mein kiya hai isko. MasterCard started in the year 1966. New York is the न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट इज द हेडक्वार्टर माइकल द सीईओ अजय पाल सिंह इज द चेयरपर्सन ऑफ मास्टर कार्ड रीसेंट पॉइंट वेरी वेरी पॉइंट रीसेंटली अनाउंस्ड बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्या स्वास्तिक सिराज स्वास्तिक साईराज चिराग शेट्टी टू कम ऑन बोर्ड एज द एम्बेसिडर ऑफ द कंपनी इन इंडिया तो इंडिया में अपने ब्रांड एम्बेसिडर इन्होंने किसको अपॉइंट किया बैडमिंटन प्लेयर है लक्ष्य सेन के श्रीकांत है स्वास्तिक शाई राजर दट चिराग शेट्टी सो दीज आर अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ मास्टर कार्ड इन इंडिया मास्टर कार्ड रिप्लेस दी एम एज द डोमेस्टिक फॉर द डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस एज द टाइटल स्पॉन्सर

मास्टरकार्ड रिसलीबरेटेड विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द टीम कैशलेस इंडिया सो टीम कैशलेस इंडिया के लिए किसके साथ कोलॉबरेट किया था इन्होने दे कोलोबरेटेड विथ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिमूव बैंड फ्रॉम द अमेरिकन एक्सप्रेस यस इवन मास्टर कार्ड वॉज अंडर बैंड सो आरबीआई रिमूव द बैंड फ्रॉम मास्टर कार्ड ऑल्सो टू एट द न्यू कस्टमर्स इन इंडिया ये आपके पास अभी रिसेंट है वो यूज हो गए अगले न्यूज पर आइए नेक्स्ट न्यूज एस डी एफ सी अर्गो नेक्स्ट न्यूज एस डी एफ सी अर्गो लॉन्चेस पोर्टल फॉर ईवी यूजर्स टू लोकेट इज अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी विच इज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ठीक है पोर्टल नेम ऑल थिंग्स ईवी फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल this is country's first one stop solution portal that can be used by existing and potential ev users this portal will provide the information of nearby charging station location for the charging station the platform will serve all the indians who have purchased either electronic vehicles or planning to buy the ev uh, uh, planning to buy the ev or earning out their booming ev space तो अब ये दोनों टाइप के लोगों के लिए दोज हु आर रेडी टू तो प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और दोज हु आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दोज हु आर प्लानिंग टू बाय द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एस डी सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने लॉन्च किया है ऑल थिंग्स ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल इस पोर्टल का नाम रखा गया है ठीक है सो इट इज लॉन्च बाई एस डी एफ सी अर्गो विच इज अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक क्वेश्चन पूछता हूं बताइएगा आंसर क्या है हेल्थ इंश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट होता है या फिर जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होता है यहां पर आपके पास एस डी एफ सी के पॉइंट्स हैं पेज नंबर वन पेज नंबर टू पेज नंबर थ्री तो ये आपके पास एस डी एफ सी रिलेटेड पॉइंट हो गए हां भाई क्या आंसर बनेगा हेल्थ इंश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ सर डू यू हैव हैवी नो आई डोंट हैव हैवीवी मेरे पास नहीं है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल हाँ जनरल इंश्योरेंस वेरी गुड सो हेल्थ इंश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस करेक्ट है नेक्स्ट है अगले न्यूज पर आए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इन टर्म सी एफ ओ कौशल मिथानी रिजाइड सिंगल वन लाइन न्यूज है पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस विच इज द सब्सिडरी ऑफ पी प्रोवाइडिंग द लोन इन द हाउसिंग सेक्टर्स इन इंडिया दिस ऑर्गेनाइजेशन Interim CFO Kaushal Mithani sir resigned recently. So, this company was formed according to the Company Act 1956. It is, a, it is promoted by Punjab National Bank. started in the year 1988, headquarters New Delhi. So, in case CFO never resigned, resignation ka news? Hai. Next appointment news mein, Mr. Gopal Jain Shiva Kumar Gopalan appointed as the executive new directors of RBL Bank. So, RBL Bank when no appointments. So new directors of RBL Bank has been appointed. Director name are Mr. Gopal Jain, Dr. Shiv Kumar Gopalans, Jain Experience, Private Equity Investor and Managing Partner of Gaja Capital. Gaja Capital through the Gaja Capital 1.3% stake in the RBL Bank at end of June. गोपालन सर इज अ रिसर्चर ओवर थ्री डीकेट एक्सपीरियंस अक्रॉस द एस्पेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द फाइव इयर्स तो जैन साहब एंड गोपालन सर अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर्स ऑफ आरबीएल बैंक आरबीएल बैंक 1943 फॉर्म हुआ था मुंबई हेडक्वार्टर आर सुब्रमण्य कुमार सर इज द एमडी एंड सीईओ अपनों का बैंक इज द टैगलाइन तो टैगलाइन क्या है अपनों का बैंक या आर सुब्रमण्य कुमार सर इज द एमडी एंड सीईओ बिल्कुल करेक्ट है ठीक सर प्लीज मेक द सेशन ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीटली डेफिनेटली ऑल दीज आर अंडर प्लान सून यू विल गेट द सेशन बेस्ड ऑन टॉपिक वाइज लाइक ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज बहुत जल्दी आने वाले सेशन में सब टॉपिक कवर हो जाएंगे आई एम अ लिटिल बिट बिजी इन द आईडीबीआई कर्नाटका बैंक इंटरव्यूज आई विल बी गेटिंग फ्री बाय नेक्स्ट वीक मैं फ्री हो जाऊंगा इंटरव्यूज से अभी इंटरव्यूज वाले बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं सो आई विल गेट फ्री फ्रॉम देयर आफ्टर दी बैक टू दी एनियस सेशन डोंट वरी चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंडेड गवर्नमेंट एक्सटेंडेड दिस्टर मिनी साह एस दर्सन ऑफ एनडीडीबी एनडीडीबी क्या है सर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरपर्सन है मिस्टर मनीषाहेन्यस बीन एक्सटेंडेड फॉर अनादर सिक्स मंथ छह महीने के लिए इनका टेन्योर और एक्सटेंड कर दिया गया है बिफोर uh, शाह दिलप रथ वॉज द चेयरपर्सन रिजाइन फ्रॉम इस पोस्ट इन द इन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी तो इसके पहले दिलीप रथ सर ने रिजाइन किया था बिकॉज गवर्नमेंट वॉज एक्सटेंडिंग अगेन तो उन्होंने बोला भैया अब हमसे नहीं करना है काम सो ही फाइनली लेट सी मिनी शाह ऑल्सो रिजाइन वन डे दट नो आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू ना सो पोजिशन आर गेटिंग फ्री यू गई कैन डू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन हो सकता है किसी दिन आप एनडीडीबी के चेयरपर्सन बन जाए राइट क्योंकि जगह तो है करेक्ट नेक्स्ट आगे देखें सी एफ ओ ऑफ क्रेडिट क्रेडिट स्विस क्रेडिट सुसीस मिस्टर दीक्षित जोशी सर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी देवाशीष मोहंती सर प्राइवेट सेक्रेटरी टू द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दुरुपति मुर्मू मैम द्रौपदी मुर्मू मैम राजेश वर्मा सर हाई लेवल यूएन इंटरनल पैनल मिस्टर अलकेश कुमार शर्मा डीजीसीआई चीफ वीजी जी सोमानी थ्री ईयर का एक्सटेंशन आफ्टर दैट एनडीबी के नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एमडी मिस्टर राजकिरण राय सर ठीक आगे आ जाओ अगले न्यूज पर चलते हैं अनुराग ठाकुर सर लॉन्चेस आजादी क्वेस्ट देखो ये बढ़िया आप लोगों के काम का भी है नॉलेज भी गेन कर सकते हो गेम भी खेल सकते हो कुछ अवार्ड भी जीत सकते हो अनुराग ठाकुर सर आजादी क्वेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल मोबाइल गेमिंग इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्चेस आजादी क्वेस्ट अ सीरीज ऑफ़ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स बेस्ड ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर गेम बनाया हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईलाइटेड गेम इज Uh, to highlight the key milestone of India's freedom struggle, encourage a digital learning experience for youth. Information Broadcasting Ministry collaborated with Zenga India. Uh, Zenga India has developed these games. So this is a uh, this is a software company which has developed these games, and these games are an effort to tap into the huge market of online gamers and to educate them. थ्रू द गेम्स तो गेम्स के थ्रू एजुकेशन अच्छा इनिशियेटिव है गेम्स के थ्रू एजुकेशन अच्छा इनिशियटिव है सो विद्पऑफ द इंडियन स्ट्रगल ऑल्सो यू कैन ट्राई दीरीज ऑफ आजादी क्वेस्ट इज मैच थ्री पजल्स तो यहां पर देखो पजल्स आ जाते हैं आप बोलोगे सर रीजनिंग में पजल्स सॉल्व करो अब गेम में भी पजल सॉल्व करो सो so, मैच थ्री पजल्स सिंपल इजी टू प्ले जुअल गेम्स प्रेजेंटिंग द प्लेयर्स कलरफुल जर्नी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम नाइनटीन फ्रॉम एटीन फिफ्टी सेवन टू नाइनटीन फोर्टी सेवन एन फिफ्टी सेवन से नाइनटीन फोर्टी सेवन तक के लिए यह पूरी जर्नी आपको बता देता है आगे चले नेक्स्ट है अगला न्यूज देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द लेबर मिनिस्ट्रीज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्ट्रीज टू बी हेल्ड इन आंध्र प्रदेश 44th edition of edition is important 44th edition of national conference of labour ministries and secretaries of all the states and union territories via video conferencing conducted in andhra pradesh the two-day two-day organization two-day conference was organized by ministry of labour and employment at Tirupati, Andhra Pradesh. So, in which city it was conducted? Tirupati, Andhra Pradesh. Which edition of conference it is? 44th edition of conference it is. The conference was presided over by Union Labour Minister Bhupendra Yadav sir. The conference is based on the vision of Prime Minister Narendra Modi for the next 25 years that preparation of India for the 100th year of independence so 1947 sorry 2047 after 1947 from 1947 100 years that is 2047 will be the 100th independence year of india and in that year india is going to celebrate huge because india will become energy independent country by the year 2047 as per the announcement made by government of india दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्ट्रीज एंड सेक्रेटरी वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन इट फोर्टी फोर्थ एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस इट वॉज कंडक्टेड इन तिरुपति आंध्र प्रदेश लेड बाय आर लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव सर ठीक है आगे आ जाए अगले पॉइंट की तरफ सो आंध्र रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है सभी रिसेंट पॉइंट है इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा टू थ्री पेजेस आर देर नॉट मोर Revise. I am giving these pages just that you can revise the states again and again. Next hai. all 24, all 23 aims in India. All 23, all India institutions of medical science in India submitted a list of names. Government of India wanted to rename all the all the aims in India on the name of based on. रीजनल हीरोज फ्रीडम फाइटर्स हिस्टोरिक इवेंट मॉन्यूमेंट ऑफ द एरिया और देअर डिस्टिंग जोग्राफिकल आइडेंटिटी सो बेस्ड ऑन द रीजनल एरिया लाइक एम्स लोकेटेड इन भोपाल एक अब एम्स हमारा भोपाल में लोकेटेड है अब भोपाल में देखा जाए तो जो राजा भोजपाल थे दैट इज ऑन द नेम ऑफ भोजपाल दैट भोपाल वॉज Uh, was there actually. and it recently and a few years be, before there was a drive was there that uh, the Bhopal name can be converted to Bhojpal. So finally, the people of uh, Bhopal, they didn't support it. they they find that Bhopal name is okay. so the name was didn't renamed. otherwise it was government proposed it. It was uh, it was a thing that government proposed the renaming of city also.

ऑल ट्वेंटी थ्री एम्स विल बी रीनेमड सिक्स न्यू एम्स पटना बिहार छत्तीसगढ़ रायपुर मध्यप्रदेश भोपाल उड़ीसा भुवनेश्वर राजस्थान जोधपुर एंड उत्तराखंड ऋषिकेश्वर अप्रूव इन द फेज वन फेज वन फुल्ली फंक्शनली आगे आ जाते हैं ट्वेंटी थ्री एम्स एंड टोटल नेक्स्ट एचपीसीएल एचपीसीएल कमेंस्ड it's first cow dunk based compressed biogas project so hindustan petroleum corporation limited started biogas project in sanchor rajasthan it is based on cow dung so it is not a new type of project in india cow dung technology creating the biogas from the cow dung technology is a very old project even it was a very old tradition in the villages also and nowadays that biogas replaced by lpg with the time now again that is, that is a revolving circle so now again hpcl tried hpcl started their first cow dung based the compressed biogas project in in sanchor rajasthan so it is the first plant under hpcl waste to energy portfolio category it is proposed utilization of 100 ton of uh, dung per day प्रोड्यूस द बायोगैस विच विल बी यूटिलाईज फॉर द ऑटोमेटिव फ्यूल तो ऑटोमेटिव फ्यूल में इसका यूज किया जाएगा द प्रोजेक्ट डेवलप्ड अंडर गोवर्धन स्कीम लॉन्च बाय ग अप्रिल टू थाउजेंड एटीन तो गोवर्धन स्कीम के अंडर में इसको डेवलप किया गया है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम राजस्थान जयपुर इज द कैपिटल राजस्थान जयपुर इज द कैपिटल अशोक गहलोत सर इज द चीफ मिनिस्टर कालराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है एचपीसीएल इट्स अ महारत्ना कंपनी कैसी कंपनी है सो इट्स अ महारत्ना कंपनी 1974 कंपनी फाउंडेड मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है पुष्प कुमार जोशी सर इज द चेयरपर्सन ठीक है पॉइंट क्लियर है हाँ पॉइंट क्लियर है नितेश आई एम अ लिटिल बिट बिजी गोइंग ऑन फॉर द इंटरव्यू बैचेस गाइस कर्नाटका बैंक एंड आई डी बी आई देर आर थ्री बैक टू बैक इंटरव्यू बैचेस विच आर रनिंग अराउंड मी

Next, Tamil Nadu government signed uh, with five companies, signed MOU with the five companies in leather and footwear sector. Five MOUs of investment worth 2250 crore rupee has been signed by Tamil Nadu government in the category of footwear and leather sector. Chief Minister MK Stalin also unveiled Tamil Nadu footwear leather product policy 2022. The policy aim of attracting 20,000 crore rupee investment in the leather sector by the year 2025 and it will create the job opportunities of approximately 2 lakh people. I don't know why other states do not have such vision, if you will see such type of investments are either attracted by Tamil Nadu or Kerala or Karnataka or Telangana or, or महाराष्ट्र और मैक्सिमम ओडिसा सो ओडिशा कर्नाटका महाराष्ट्र आंध्र दीज स्टेट्स आर एबल टू टैप द प्रोजेक्ट्स विच आर अनटैप्ड इन इंडिया एज ऑफ नाउ जहां पर कहीं ना कहीं वैक्यूम है लेदर इंडस्ट्री लेदर प्रोडक्ट्स दीज वर द ओल्ड प्रोडक्ट्स इन इंडिया इवन यू नो दैट कानपुर इज नोन एज द लेदर सिटी कानपुर को बेसिकली लेदर सिटी कहा जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेदर प्रोडक्शन इन इंडिया वो आपका पहले के टाइम में अगर हम बात करें तो दैट वॉज इन कानपुर राइट या चलिए आगे मूव करें सो दे आर प्लानिंग टू प्रोवाइड टू लैक न्यू जॉब्स तमिलनाडु ऑसम स्टेट ऑसम परफॉर्मेंस तमिलनाडु टाटा पावर देखो यहां पर देखो टाटा पावर मेड डील विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट थ्री थाउजेंड करोड़ रुपी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तरण देन चीफ मिनिस्टर एनके स्टेलिन साइंड एमओयू विथ द तमिलनाडु एंड सिंगापुर बेस्ड आई 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 जी एस एस वेंचर फॉर द इन्वेस्टमेंट इन तमिलनाडु तमिलनाडु रिप्लेस्ड बिहार वेस्ट बंगाल बिकेम द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स इन इंडिया तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टेलिन लॉन्च एनुम एनुम एस दूम स्कीम देन एम के स्टेलिन रिसेंटली रिसेंटली लॉन्च द लोगो एंड मैस्कोट ऑफ फोर्टी फोर्थ चेस ओलंपियाड अब तो रिजल्ट भी आ गए हमारे पास चेस ओलंपियाड के तो यहां पर कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू तमिलनाडु यू गैस कैन रिवाइज इट प्रॉपरली आई एम मूविंग टूवर्ड द न्यूज नंबर नेक्स्ट अगले न्यूज की तरफ मूव करता हूं मैं नेक्स्ट न्यूज है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अटेंडेड एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग कंडक्टेड बाय विच कंट्री उज्बेकिस्तान और कंडक्टेड इन विच कंट्री उज्बेकिस्तान वाई इन उज्बेकिस्तान बिकॉज एससीओ समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू

मीटिंग इन विच कंट्री और विच सिटी ताजकंद उजबेकिस्तान जु, अभी अगर एस की बात करें सो एस के लिए आपके पास एक ट्रिक आती है आर यू सी एच आई रुचि विजिटेड विजिटेड ताज इंडिया ताज इंडिया मीन्स होटल ताज इंडिया ताज इंडिया विथ काकू विथ काकू फॉर पी आई पर्सनल इंटरव्यू आपके पास पॉइंट बन गया नुचि आर यू स्टैंड फॉर रशिया आर यू इज रशिया यहां कहीं होगा देखो रशिया सी एच आई इज चाइना टी एच इज ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान इंडिया के ए इज कजाकिस्तान नेक्स्ट के इज किर्गिस्तान नेक्स्ट यू इज उजबेकिस्तान इज पाकिस्तान कहां गया भाई ये पाकिस्तान एंड आई इज ईरान अभी रिसेंटलीरान सो नाइन में रिसेंट में ठीक है सो डिफेंस एस मीटिंग वॉज रिस कंडक्टेड एस फाउंडेड इन दर टू थाउजेंड वन बीजिंग इज द हेडक्वार्टर जैंग सेक्रेटरी जनरल समिट्स uh, की बात करें तो समिट ऑफ 2022 विल बी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विटेड समिट समरक विल बी होस्टेड बाय इंडिया तो इंडिया होस्ट करने वाला है 2023 का एस सीओ समिट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो so, ये पॉइंट हो गया प्रीवियसली दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉल्ड शंघाई फाइव बिकॉज देर वर फाइव फाउंडिंग मेंबर्स तो प्रीवियसली इट वॉज कॉल्ड शंघाई फाइव कर्नाटक गवर्नमेंट साइंड एमओयू विथ ईसा आउटरीच टू बूस्ट द एग्रीकल्चर karnataka government signed mou with esa outreach to have mou to work with to work and achieve the synergy between kaveri calling and various government based agroforestry promotion project in the district uh, which which form the kaveri basin all the district which form the kaveri basin they go government of karnataka have a project called kaveri calling in this project government promote and appreciate the farmers based on forest agriculture like uh, the, the, the crops which farmers can get from the forest one of the best example is coconut that coconut cultivation can create the forestry also and it can and it can, it, it and it is a profitable business also. In term of agriculture, it is a profitable business also. So production of that is more, more uh, cultivation of the coconut, coconut uh, trees. So government is supporting the farmers for such type of such type of uh, agriculture with the help of initiative called Kaveri Calling. So Kaveri Calling is the name of that initiative. फॉर दिस इनिशियेटिव रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ऑल्सो कोलॉबेटेड विथ ईशा आउटरीच इन्होंने ईसा आउटरीच के साथ भी अभी रिसेंटली कोलॉबरेट किया है बैंगलोर इज द कैपिटल बसवराज बुम्बई चीफ मिनिस्टर थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है कुछ पेजेस काउंट करवा देता हूं आप लोगों को सिंपल तरीके से पेज नंबर वन है कर्नाटका का पेज नंबर टू है पेज नंबर थ्री एंड पेज नंबर फोर एंड पेज नंबर फाइव एंड पेज नंबर नॉट सिक्स बस पेज नंबर फाइव कर्नाटका रिलेटेड आफ्टर दैट एग्रीमेंट कुछ एग्रीमेंट्स रॉयल एनफील्ड पार्टनर्ड यूनेस्को टू प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया हाउ मेनी कल्चरल हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया क्या आंसर बनेगा कितने कल्चरल हेरिटेज साइट है इंडिया के विच वन वॉज द लास्ट टू एड इन लास्ट टू एड विच वन इज रीसेंटली नॉमिनेटेड रीसेंटली नॉमिनेटेड दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे लास्ट वन विच वॉज एड हाँ टोटल फोर्टीन है वेरी गुड टोटल हमारे पास साइट कितनी है फोर्टीन है साइट बोल रहे कितने फोर्टीन है लास्ट वन टू एड वॉज दुर्गा पूजा लास्ट वन दैट वॉज एड दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा वॉज द लास्ट वन विच गॉट एडेड एंड रिसेंटली नॉमिनेटेड इज गरबा रिसेंटली नॉमिनेटेड इज गरबा तो गरबा रिसेंटली नॉमिनेटेड है ठीक है यह आपके पास डेटा हो गया मेनली किससे रिलेटेड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया दैट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया नाउ यूनेस्को कोलॉबरेटेड विथ रॉयल एनफील्ड फॉर दिस पर्पज सो यूनेस्को इज रनिंग अ मूवमेंट टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट प्रिजर्व द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इंडिया is वन ऑफ the 178 कंट्रीज that adopted 2003 UNESCO Convention यूनेस्को कन्वेक्शन फॉर intangible cultural heritage for कल्चरल हेरिटेज फॉर डी यूनेस्को नाइनटीन बना पेरिस हेडक्वार्टर एंड्रियाल इज द डायरेक्टर जनरल है बट 178 सेवनटी एट कंट्रीज आर देयर फॉर द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिसेंटली विच कंपनी फ्रॉम इंडिया साइन एमओयू विथ यूनेस्को करेक्ट आंसर इज रॉयल एनफील्ड तो रॉयल एनफील्ड जो है इन्होंने अभी एमओ साइन किया हा बिल्कुल करेक्ट है गोविंद राजन सर इज द एंड ऑफ रॉयल एनफील्ड एट प्रेजेंट अभी रिसेंट में अगर बात करें तो एंड एमडीएसी कौन है रॉयल एनफील्ड के सो मिस्टर गोविंद राजन सर इज द एंड ऑफ रॉयल एनफील्ड एट प्रेजेंट ठीक चलो ये पॉइंट हो गए आपके पास एक लास्ट न्यूज आज के लिए आई आई टी गुवाहाटी डेवलप्ड अथड टू प्रोड्यूस सुगर सब्स्टिट्यूट

एंड विच विल बी पोटेंशियल एंटी एंटी डायबिटिक इफेक्ट पोटेंशियल एंटी डायबिटिक इफेक्ट ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ केमिकल मैथड सिंथेसाइजेशन टाइम डिले एसोसिएशन फॉर द कन्वेंशनल फॉर्मेंटेशन सो एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी इसमें हो सकता है सो इट विल बी अ बेटर प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ शुगर एक सब्सटीट्यूट बन जाएगा शुगर का इन इंडिया राइट right? तो यह एक आपके पास पॉइंट हो गया <laughs> सारे पॉइंट क्लियर चलो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा बिफोर क्लोजिंग द सेशन प्लीज हिट द लाइक बटन लाइक बटन एक सेकेंड लेगा आपका बट इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइक ऑन योर सेशन ऑन माय सेशन ऑन आर सेशन सो विल बी मीटिंग बैक ऑन द सेम टाइम सेम प्लेस टिल द टाइम गेस कीप वॉचिंग ऑल ए बोर्ड जय हिंद